नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम आए हैं वडनगर रेलवे स्टेशन, जो एक बार फिर से रोशनी से चमक रहा है, वो आपको हम इस वीडियो के माध्यम से पूरा दिखाएंगे। और इसकी मुख्य जो बात है वो यह है कि आज यहाँ पर पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाई जाने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। और आप चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, और बाजू में लगे बेल आइकन पर क्लिक करके हमारे आने वाले वीडियो को आप देख सकते हैं। वीडियो का मुख्य उद्देश्य यह है कि ये वडनगर रेलवे स्टेशन नरेंद्र मोदी जी का जो गाँव है, और जहाँ पर वो इस रेलवे स्टेशन पर वो खुद चाय बेचते थे, उनके सम्मान में फिर से इस रेलवे स्टेशन का आज उद्घाटन है। एक साल पहले दोस्तों यहाँ पर ट्रेन चलाई गई थी, लेकिन कोरोना आने की वजह से फिर से इसे बंद कर दिया गया था। और अब ये फिर से एक बार आज गांधीनगर से हरी झंडी दिखाकर डिजिटली नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली से इसका उद्घाटन किया है। वो एयर ट्रेन गांधीनगर रेलवे स्टेशन से रवाना हो गई है, और बीच में जो रेलवे स्टेशन आएंगे वहां पर इस ट्रेन का लोगों द्वारा भव्य स्वागत किया जाएगा। और काफी समय के बाद ये ट्रेन यहां पर आएगी, तो इसलिए हमें इंतजार है कि कब तक ये ट्रेन यहां पर पहुंचती है। तब तक के लिए ये वीडियो का जो नज़ारा है, रेलवे स्टेशन का नज़ारा आप देखते रहिए। और ये ट्रेन अब इस तरफ से आएगी मेहसाणा से, जो सामने आपको दिखाई दे रहे हैं जो रेलवे सिग्नल्स, वहां से ये ट्रेन स्टेशन पर आने वाली है। तो थोड़ी देर में ये ट्रेन अब वडनगर स्टेशन पर पहुंचेगी, और इसका यहां पर यहां के स्थानिक लोगों द्वारा और कई जो दूसरे है वह उनको द्वारा भव्य स्वागत होगा। और आप देखिए कि ये ट्रेन धीरे धीरे अब प्लेटफॉर्म पर आ रही है, और जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था, वो ट्रेन का स्वागत करने के लिए लोग अभी यहाँ पर खड़े हैं, वो सब यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। और ट्रेन में भी जो पुलिस बैंड और दूसरे जवानों द्वारा यहाँ पर मनोरंजन के कार्यक्रम चलाए गए हैं, और लोगों द्वारा इनका भव्य स्वागत हो रहा है। और ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म नंबर एक पर वडनगर स्टेशन पर आती हुई इसका भव्य नजारा आप देख रहे हैं। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों ये ट्रेन पूरी इलेक्ट्रिक है, और इसलिए ये ट्रेन बिना आवाज करती हुई मेहसाणा से वडनगर खेरालू होकर वरेठा तक रेल का जो काम है वो कंप्लीट कर दिया गया है, और यह रेल पूरी तरह से इलेक्ट्रिक कर दी गई है। इसलिए आज जो ट्रेन आई है वो वडनगर से खेरालू जाएगी, और वहां से वरेठा स्टेशन पर जाकर रुकेगी, और वहां से सुबह गांधीनगर के लिए वापस रवाना होगी। इसी तरह से इसका शेड्यूल फिक्स किया गया है। तो आप कभी भी वडनगर आना चाहते हैं तो इस ट्रेन के माध्यम से यहां पर आ सकते हैं, और इसका मजा आप देख सकते हैं। आप देख रहे हैं ट्रेन में सभी लोग पर जो आए हैं, और वो यहां पर बैंड पार्टी ट्रेन में अपना बैंड बजा रही है, और सारे जहाँ से अच्छा जिसका हमारा यहाँ पर बज रही है। Yeah.